नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आकाश। दोस्तों, सर्दियां बहुत अच्छा समय होता है अपने शरीर का वज़न बढ़ाने के लिए। दोस्तों, जिस तरह मोटापा और बढ़ा हुआ वज़न बड़ी समस्या है, उसी तरह कई लोगों को कम वज़न की समस्या का सामना करना पड़ता है। कम वज़न होने की वजह से लोग तो उनका मजाक उड़ाते हैं, इसके अलावा वो कुपोषण के मरीज भी लगते हैं। लेकिन घबराए नहीं, कुछ घरेलू तरीकों से आप चंद महीनों में ही अपना वेट गेन करा लेंगे, यानी अपना वज़न बढ़ा लेंगे। तो कुछ घरेलू तरीके जिनमें सर्दियों में वज़न बढ़ाया जा सकता है, मैं आपको 11 अभी गिनवाऊंगा। सबसे पहले आलू को अपनी नियमित डाइट में शामिल करें। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, जो वज़न बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए आप आलू किसी भी तरीके से खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो ज़्यादा तला भुना ना हो। अगली चीज़ है घी। घी खाने से भी आपका वज़न बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और कैलोरी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। घी आप खाने में डालकर भी खा सकते हैं, या फिर शक्कर के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि घी की मात्रा सीमित रहे। अगला आता है आपका किशमिश। रोज़ाना दिन भर में एक मुट्ठी किशमिश खाएं। ऐसा करने से आपका वज़न तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा किशमिश और अंजीर को बराबर भागों में बांटकर रात भर भिगोने के बाद खाएं। अगली चीज़ है अंडे। अंडे में फैट और कैलोरी काफ़ी होती है, और इसका रोज़ाना सेवन करेंगे तो वज़न बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखें कि कच्चा अंडा भूलकर भी ना खाएं, इससे स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अगली चीज़ आती है केला। वज़न बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है केला खाना। रोज़ाना केले का सेवन करेंगे तो वज़न ज़रूर बढ़ेगा। केले में भरपूर मात्रा में कैलोरीज होती हैं, जो शरीर को ना सिर्फ एनर्जी देती हैं, बल्कि वज़न बढ़ाने में भी मदद करती हैं। केला आप दूध के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा केले का शेक बनाकर भी आप ले सकते हैं। अगला आता है बादाम। बादाम भी काफ़ी हद तक वज़न बढ़ाने में कारगर है। इसके लिए 3-4 बादाम रात भर पानी में भिगोकर रख दें, और अगले दिन पीसकर दूध में घोलकर पी लें। एक महीने तक रोज़ाना ऐसा करें, असर दिखेगा। अगला है पीनट बटर। पीनट बटर यानी मूँगफली के मक्खन से भी वज़न बढ़ाया जा सकता है। आप इसे कैसे भी खा सकते हैं, मसलन ब्रेड पर लगाकर या फिर रोटी के साथ। पीनट बटर में हाई कैलोरी तो होती ही है, इसके साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। दूध के साथ नाइट जैसे की मूंगफली या ड्राई फ्रूट्स खाने से भी वज़न बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये सब एक सीमित मात्रा में हो, ऐसा ना हो कि वज़न बढ़ाने के चक्कर में आप और बीमारियाँ शरीर में पाल लें। अगला आता है अनार। रोज़ाना अनार का जूस पीने से वज़न तेज़ी से बढ़ता है। अगली है बीन्स। जी हाँ, बीन्स और फलियों के अलावा राजमा और दालें खाने से भी वज़न बढ़ेगा। बीन्स और सोयाबीन इसमें ज़्यादा कारगर है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन्हें किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर खाएं। बीन्स यानी फलियों में कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज के अलावा फाइबर की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये सब तत्व वज़न बढ़ाने में मदद करते हैं। अगला है चना और खजूर। पतले लोग अगर चने के साथ खजूर खाएं तो वे बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं। अखरोट और शहद किशमिश को दूध में मिलाकर खाने से भी वज़न बढ़ता है। इसके अलावा अगर अखरोट में शहद मिलाकर खाया जाए तो पतले लोग जल्दी मोटे हो जाएंगे। अगली चीज़ आती है पर्याप्त नींद। नींद को लोग वज़न बढ़ाने से जोड़कर नहीं देखते, और अगर ऐसा कहा भी जाए कि पर्याप्त नींद लेने से वज़न बढ़ता है तो वो इसे मजाक की तरह समझेंगे, जबकि ये सच नहीं है। जब लोग पर्याप्त नींद लेंगे, यानी कम से कम 8 घंटे सोएंगे, तो उनके शरीर को आराम मिलेगा, और जब आराम मिलेगा तो वो जो भी खाएंगे वो उनके शरीर पर असर ज़रूर दिखाएगा। वज़न बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, और ना ही इसका कोई फिक्स तरीका है। कुछ लोगों में मोटापा या कम वज़न जेनेटिक होता है। ऊपर बताए उपायों को अगर आप नियमित रूप से फॉलो करेंगे तो आपको यकीनन फ़ायदा दिखेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।